की निर्वेद कविता जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ और छायावाद के आधार स्तंभ के साथ साथ स्थूल से सूक्ष्म के प्रति जो विद्रोह है, इसमें सिर्फ प्रकृति की सारी सुंदरता और श्रद्धा और मनु जो कि नायक है कामायनी के, उसी से यह अंश संकलित है। उस समय वो उनकी यादाश्त खो चुकी है, प्रलय के बाद का समय है, मूर्छित अवस्था में मनु पड़े हुए हैं। उस संदर्भ में श्रद्धा उनके पास आती है, उनको पुरानी बातें याद दिलाना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि हम आपकी जिंदगी में वही हैं जो आपके पास थे, आपके नजदीक थे, आपके प्रिय थे। कि तुमल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन नित विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल चेतना थकसी रही तब मैं बलय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल का मतलब बहुत ही भयंकर, कोलाहल का मतलब बहुत ही ज्यादा दुख दर्द और बेचैनी वाला वो। उस कलह में जबकि सब कुछ तो अशांत है हर तरफ, तुम्हारे हृदय की जो बात हुआ करती थी या तुम्हें हृदय पे जो चीज अच्छी लगा करती थी वो मैं हूँ, अर्थात तुम्हारे मन की बात मैं हूँ। प्रस्तुत जो कविता है इसमें ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी के निर्वेद सर्ग से है। इड़ा की प्रजा और मनु के मध्य युद्ध की समाप्ति के पश्चात सब तरफ शोक का वातावरण छाया हुआ है और दूसरी ओर श्रद्धा आती है और इड़ा ने विरहड़ी श्रद्धा को आश्रय बना दिया है, किंतु जब श्रद्धा ने मूर्छित अवस्था में मनु को देखा तो वो उसकी वेदना बहुत अधिक मुखर हो गई और वो तो तुमुल कोलाहल कलह में से लेके मैं मलय की बात रे मन, अर्थात एक दीर्घ काल के पश्चात श्रद्धा और मनु का यहाँ मिलन दिखाया है। श्रद्धा मनु को ये बताना चाहती है कि भावनाओं के कोलाहल में शांति की दूतनी बनकर वो तुम्हारे पास आई है। मनु को वो संबोधित करती है और कहती है कि हे प्रिय, भयंकर कोलाहल और कलह की स्थिति में हृदय और शांति को पहचाने वाली हूँ। कलह और कलह की स्थिति में, कोलाहल में मैं मानव मन में उठने वाली बहुत सारी भावनाओं की द्वंद्वात्मक स्थिति का जो है उसको निकालने वाली हूँ। और यहाँ पर है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कन को तरसती उन्हीं जीवन घाट पियों की मैं सरस बरसात रे मन। तो जो है आगे वो बताती हैं कि अपना फिर से परिचय देती हैं कि मैं मनुष्य के मनुष्य की चेतना निरंतर संघर्षों के से आक्रांत होने के कारण नित्य प्रति चंचल और अधीर और व्याकुल सी हो उठती है और अनंत विश्रांत सी नींद की गोदी में बैठने को लालायित होती है। मैं उस तरह की मलयानिल की सुगंधित वायु के रूप में उस थकी हुई चेतना को विश्राम देती हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे मन को राहत पहुँचाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, एक बरसात की शक्ल में आई हूँ और तुम पर जब मैं बरसूंगी तो तुम्हारा मन मस्तिष्क सब एकदम शांत और कूल और काम हो जाएगा, अर्थात मेरी बातें तुम्हें पसंद आया करती थी, तुम जागृत हो, सुप्त अवस्था में भी पड़े हो, तुम जागृत हो जाओ, उसको जगाने की कोशिश है। अगली जो लाइनें हैं, पवन की प्राचीर से रुक, फिर है जहां मरु ज्वाला धधकती चात की कनको तरसती उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। ज्वाला का मतलब होता से ही अपनी क्षुधा को शांत करता है, वैसे ही वो उसको बता रही है और कह रही है, अपने मन को संबोधित करते हुए एक तरीके से श्रद्धा कह रही है, हे मन, मैं जीवन घाटियों की वो जल युक्त